वेरी पम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आई एम निरुपमा कल अमावस्या है और सोलर एक्लिप्स भी अगर एक्स्ट्रोलॉजिकली देखें तो इट विल अकर इन एडिज एंड अश्वनी नक्षत्रा आई थिंक uh, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जो है वो ये विजिबल uh, नहीं होगा इट्स मोर लाइकली यू कैन सी दैट इन साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया और इन यू नो पैसेफिक रीजन्स बट दैट डजेंट मैटर क्योंकि जब भी भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो सब जगह अपना असर uh, छोड़ते हैं डालते हैं तो ये जो इवेंट हमारी लाइफ में होने वाला है इसको हम किस तरह से टैकल करें और ये क्या इंफॉर्मेशन लेके आया है हमारे लिए इसको हम क्विकली देखते हैं सबसे बड़ा जो असर है वो आप लोगों ने जैसे ही इस तरह की एनर्जीज अप होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे अंदर एनर्जी शिफ्ट होता है आप में से कई लोग ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कई लोग अभी करेंगे कि ऑल ऑफ सडन आपको बहुत आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये चेंज आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके वर्क फ्रंट पर हो सकता है आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग में हो सकता है जिस तरह से आप आ, आपके अंदर कहीं शिफ्ट आया है आपके बिलीव सिस्टम में आपके पैटर्न्स में आपके बिहेवियर में या जिस तरह से आप पहले चीजों को लेते थे या सोचते थे वहाँ कुछ अब ट्विस्ट आया है तो हम सडन हम सडन क्यों मानते हैं इन चीज़ों को क्योंकि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड इन चीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं होता मींस अगर हम कॉन्शियसली इस बारे में नहीं सोच रहे होते या हम इस चीज इस चेंज को एट कॉन्शियस लेवल एक्सेप्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते तो हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ें सडनली होना शुरू हो गई हमारी लाइफ में वेयर एज यूनिवर्सल फोर्सेस अपने एक रिदम में वर्क करती हैं एंड एज यू क्लेंस एंड हील एंड शिफ्ट दिस एनर्जीज यू नो कीप शिफ्टिंग तो ये जो स्पेशली जो ये गेट वे ओपन हुआ है इससे आपकी बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग होने वाली है आपको उन चीजों से फ्री किया जाएगा जो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं है अगर ये आपको एब्रप्ट लगे या ऐसा लगे कि ये अनहोनी किस तरह से शुरू हो गई तो सिर्फ उसका एक ही मतलब है कि आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे इन चीजों के लिए द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज हैपनिंग फॉर योर गुड ऑल ऑफ सडन अगर आप महसूस करें कि कोई आपकी रिलेशनशिप हैं जो आपसे दूर हो रही हैं टूट रही हैं या uh, जो आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही हैं कि आप वहाँ आगे नहीं बढ़ पा रहे या आपकी जो जॉब है वहाँ आपको कुछ चैलेंजेस मिल रहे हैं स्टाफ चेंज हो रहा है या यू हैव बीन आस्ट टू लीव जॉब ओके तो उस टाइम एक जो कंफ्यूजन होता है जो एक डिलीमा होता है वो क्रिएट होता है कि क्योंकि आप कॉन्शियसली प्रिपेयर्ड नहीं थे तो आपको लगता है ये क्या हो गया हम तो हीलिंग कर रहे थे तो ये क्या है राइट right? लेकिन जब हम इस पावरफुल एक्लिप्स में एंटर कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी डीपर लेयर पर चैलेंज आएंगे जो कोर इश्यूज हैं वो सरफेस पे हैं आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो ट्रिगर्ड महसूस कर रहे हैं जो ट्रिगर्स हैं दे आर ऑलरेडी देयर जो भी ये हार्डशिप है ये अगर मैं कहूं कि आपकी प्रेयर्स का रिजल्ट है तो गलत नहीं है जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं फिजिकल लेवल uh, पर फिजिकली इफ वी आर नॉट यू नो इफ वी आर सिक तो हम क्या करते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं एड एकडिंगली डॉक्टर की हमें कितनी बीमारी है हमारे फिजिकल सिम्टम्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको दवाई दी जाती है समटाइम्स अस ऑन यू नो इंजेक्शंस और देन सर्जरी और वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड बट वी गो थ्रू इट Why? क्योंकि हमें अपनी फिजिकल बॉडी की हेल्थ को वापस लाना है उसको ठीक करना है तो इसी तरह ये जो आ, 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 इवेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में ये एक तरह से कॉस्मिक मेडिसिन है विच इज गाइडिंग यू टू सी योर रियलिटी एंड टू क्लीन एंड चेंज इट मेनली जो फोकस है वो रहेगा जो चैलेंज है वो रहेगा आपकी लव लाइफ में एंड आपकी रिलेशनशिप्स में एक इशू विच आई हैव बीन टॉकिंग सिंस लॉन्ग इट्स अनवर्दीनेस क्या होता है अनवर्दीनेस जब हम अपनी अहमियत को नहीं समझते जब हम वी सेटल डाउन फॉर लेस हम अपनी गाइडेंस को अवॉइड करते हैं कई बार फियर आउट ऑफ फियर वी एडजस्ट विथ पीपल या आउट ऑफ अटैचमेंट्स अपने जॉब्स के साथ अपने काम के साथ क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें और हम क्या कर सकते हैं या और हम आ, हमारे पास हमें ऐसा लगता है कि अगर दिस पर्सन विल गो अवे फ्रॉम माय लाइफ आई विल बी लेफ्ट अ लोन या वट एवर इट मे बी यू नो सो इट्स इल्यूजन एंड ये इल्यूजन जो है वो आपका टूटने का टाइम आ चुका है नाउ आपको ये समझाया जाएगा कि वॉट यू आर केपेबल ऑफ यू विल बी पुट ऑन टेस्ट टू सी योर ट्रू स्ट्रेंथ एंड ट्रू पावर जब तक आप किसी भी एरिया में एडजस्टमेंट्स करते हैं यू कैन नॉट बी हैप्पी एंड यू कैन नॉट बी फ्री आप एक कार्मिक uh, जो बॉन्ड है उनसे फ्री नहीं हो पाते उनके साथ फंसते चले जाते हैं बिकॉज इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड देन एट आउटर लेवल आप जो भी कुछ करते हैं बट योर एनर्जी फील्ड इज समथिंग एल्स उसमें आप पेन ट्रॉमा हर्ट ये सब चीज़ें अपने अंदर दबाते रहते हैं एंड यू डू नॉट गेट फ्री ये सब क्या है दिस इज ऑल कार्मिक इम्प्रेंट्स दिस इज ऑल कारमा और जब तक ये आपके सेल्स के अंदर आपके एनर्जी फील्ड में रहेगा यू वॉन्ट बी एबल टू रिसीव द लाइट विच इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू तो जो मैं बोल रही हूं कि ये जो आपकी जो प्रेयर्स हैं जो आप गॉड से प्रे करते हैं फॉर योर वेलनेस फॉर योर गुडनेस दैट्स द आंसर सो बिलीव मी इन सब चीजों का पर्पस क्या है इनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस है जो इस टाइम ये आपको ट्रिगर मिल रहा है और जो भी ये इक्लिप्स की एनर्जी क्रिएट हुई है आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से कनेक्ट कर किया जा रहा है जैसे जैसे जब आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं आपके एग्जाम्स टफर हो जाते हैं टू लर्न समथिंग बेटर टू लर्न समथिंग वर्थ तो इसी तरह अब जो आपके लेसन्स हैं वो डिफ़िकल्ट होने वाले हैं जो सिचुएशंस हैं वो आपको किसी भी लिमिटेशंस में से बाहर निकालने के लिए बनाई जा रही हैं जब आप औरों के साथ डील करते हैं तो आप अपनी अहमियत को समझें अपनी पावर को अपनी इम्पोर्टेंस को कम ना समझें इवन इफ इट इज योर ट्विन सोल इवन इफ इट इज योर ट्विन पार्टनर देयर हायर सेल्फ इज प्रिपेयरिंग यू टू वैल्यू योर ओन इनर यूनिटी फर्स्ट वहां पे कई बार देखने को मिलता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं अगेन कहीं ना कहीं एक फियर या एक चाह जो होती है हमारी उनके साथ होने की वहां हम अपने फुल पोटेंशियल में नहीं रहते वी ट्राई टू एडजस्ट वी ट्राई टू कोप अप राइट नाउ आप अपनी वेलबींग well को चुने कीप यू योर सेल्फ योर प्रायोरिटी फर्स्ट एंड प्रायोरिटाइज योर डिवाइन पाथ और रेस्ट विल फॉलो यू आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपका डिवाइन पाथ होना चाहिए और बाकी जो भी कुछ है वो आपको फॉलो करेगा आपको अपनी स्ट्रांग बाउंड्री सेट करनी है अगर पास्ट में आपने नहीं किया तो अब राइट right टाइम है करने का आप की अपनी जर्नी है यू आर फ्लो ऑफ योर ओन इन योर ओन वर्ल्ड यू नो आप कैसे औरों के साथ कनेक्ट करते हैं वहां पर देखें क्योंकि चैलेंजेस इन सिचुएशंस में आने वाले हैं जब आप किसी के साथ आ, कनेक्ट कर रहे हैं अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ यू वेंट फॉर अब इंटरव्यू और to ask सम काइंड ऑफ अ वर्क with somebody और यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहाँ पर क्या आप सिर्फ इसलिए उस जॉब को उस जॉब अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दूसरी आएगी या नहीं आएगी आप उनकी सब बातों को मान रहे हैं क्या जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं यू आर पुटिंग दैम यू you नो know, आप आपके ऊपर आप उनकी हर कंडीशंस और शर्त के हिसाब से उनके साथ जा रहे हैं जब आप किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं इवन इफ यू आर कमिंग यू नो इन यूनिटी विद योर ट्रिंसोल हाउ मच यू आर गिविंग योर सैनिटी योर सेल्फ केयर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं

आप दूसरे की बाउंड्री वायलेट करते हैं आप वहाँ चीजों को सिर्फ अपने लिए सोचते हैं चीजों को सिर्फ अपने फेवर में करना चाहते हैं आप ये नहीं देख पाते कि इससे दूसरे का क्या नुकसान है लेकिन जब कोई भी चीज आप अपने लिए आ, खड़े होते हैं अपने लिए बोलना चाहते हैं वहां आप अपने और दूसरे के दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं यू आर एट पार नो लेस नो अब एंड दैट इज कॉल्ड यू पावर तो आपको यहां पर अपनी बाउंड्रीज तय करनी है अपने को वैल्यू करने का टाइम है बी ब्रेव एंड स्टॉप लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स परस्पेक्टिव बाकी के लोग इस आपको ऐसी सिचुएशंस में भी डाला जाएगा जहां पीपल विल से एनी थिंग अबाउट यू मे बी इन योर क्लोज रिलेशनशिप्स बट हाउ मच डू यू बिलीव इन इट हाउ मच यू आर ट्रिगर्ड विद इट दैट इज अ टेस्ट क्योंकि अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता या पड़ना चाहिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है योर हार्ट गाइडेंस इज गाइडिंग यू एंड दैट इज द गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर ट्रू सोल लव ये जो एक्लिप्स है इट इज ब्रेकिंग योर ऑल कार्मिक अटैचमेंट्स इट डील्स विथ इट्स गोइंग टू डील विद यू कारमा वो कहाँ से आता है जो आपकी अटैचमेंट से आता है चाहे वो इस लाइफ टाइम से है चाहे वो प्रीवियस लाइफ टाइम से है जो आपकी एनर्जी सिस्टम में है तो ये वक्त आपको जो भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिलीज करना है आपको पुश किया जा रहा है ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है जहां आप अपने आप को री इवेल्युएट करेंगे और जो भी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जो भी ऐसी वर्क सिचुएशंस हैं जहां आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहां से अब निकलने का टाइम आ गया है अभी आपके पास अगर क्लैरिटी नहीं भी है वेरी सोन वेरी सोन यू नो एनर्जीज चेंज होने वाली हैं एंड इन द मंथ ऑफ मे यू विल बी हैविंग मोर क्लियर विजन अबाउट योर सेल्फ सो ट्रस्ट द बेस्ट वे टू डील विद इट इज गेट ओवर विद दीज अटैचमेंट्स क्योंकि कई बार ये मेरी ओल्ड फ्रेंड है ये मेरा फैमिली मेंबर है ये मेरा पार्टनर है ये मेरे रेलेटिवस हैं यू नो उनसे हम अटैच रहते हैं और हमें लगता है कि वी वोट बी एबल टू सरवाइव विदाउट दैम but anywhere and with anyone if you are not happy it's time for fresh new beginning just let it go face, uh, you will face this power struggle here because it's not very easy to release the attachments to come in your power apki ego baar ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है ये मेरा माँ है ये मेरी बेटा है ये मेरा ये है ओके आपके कंट्रोल इश्यूज सामने आएंगे बिकॉज आप सोचेंगे कि अरे यू आर गेटिंग दैट इंट्यूशन दैट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस वर्क और इन दिस जॉब और इन दिस एनवायरमेंट लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज नो अदर ऑपरचुनिटी सो हेयर यू हैव टू ट्रस्ट हाउ कैन आई लिव अलोन विदाउट दिस हाउ कैन आई लीव दिस जॉब विदाउट एनी अदर थिंग यू हैव टू ट्रस्ट That you are under divine guidance. Uh, Feeling sayabki impossible wali. Okay. Here is or issue. I'm not supported, I'm not protected. This this is this issue is also uh, at the surface and it will it brings lots of uh, what I said is ego power and your control issues. You try to control things but this is this you are trying to control from outside. Or is you are a powerful divine soul. Or Jin are asking up protection and support They don't have that capacity to do it so you have to shift your focus you have to ask for divine protection for divine support and where it is that is inside you pray for it ask your uh, gu uh, you know your guides your masters to allow you to experience your divinity to allow you to connect uh, with your divinity. Just remember one thing: आपकी soul ने ही इन सब difficult situations को चुना है. अब आपको जो अपने lessons हैं, वो कैसे सीखने हैं? There are two ways of learning. One is the human way with the 3D consciousness, and that is suffering. वो कहाँ से आती है जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है तो हम उसमें पेन महसूस करते हैं ट्रॉमा महसूस करते हैं हमें लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट इट्स इम्पॉसिबल ये तो हमारा भाग्य है लेकिन वो भाग्य तभी तक है जब तक आप अपनी विल पावर के साथ ये अपने हायर परस्पेक्टिव के साथ ये नहीं देखते कि वहां आपको सिर्फ कुछ चीज सिखाने की कोशिश किए जा रहे हैं और ये आपने ही यू uh, नो you know, इस प्लान को एग्जीक्यूट किया है जैसे किसी भी uh, हम फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडिंग एंड वी आर इन अ स्कूल एंड इन एनी क्लास देर इज अ क्यूरिकुलम टू फॉलो सो वॉट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट लर्न इट एंड पास द एग्जाम एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल द सेम हियर इफ यू कीप सल्किंग इन दैट यू विल क्रिएट दोज अनहिल्ड मेमरीज एंड कीप पुटिंग इन साइड योर एनर्जी सिस्टम सो ये जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं ये नहीं दोहरानी है अपनी जो भी ये आपको एक मौका मिल रहा है अपनी पुरानी गलतियों से सीखने का और उनसे बाहर आने का सी योर इनर चाइल्ड रीथिंक एवरीथिंग इवन इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी और आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो भी अभी तक हुआ है उसको ध्यान से देखें check out your communication how you communicate with others how you communicate with uh, even your divine soul divine partner when you you know when you are in a conversation where you are standing you are coming from your power within or you are coming from the compromised state your divine your uh, masculine energy hai they are also guided to connect to their soul right now and lots of healing is happening and lots of cleansing is happening there they are dealing with their child issues and lately what is happening like from a couple of times i am seeing this inner child healing during my you know ch uh, channeling and all and most of the time i see a male child so when i asked for the guidance so i got the guidance that uh, you know, the masculine energy is dealing with their inner child issues. it's not that divine feminine is not going through that, but more likely right now, ap ne is kueperkam hai kafi tak. but it's the inner child healing is an ongoing process. it's very, very deep. so never ever leave it that, okay, we have done. इट हैपन्स कि आपने दो तीन चार छः महीने किया एंड देन यू थिंक दैट ओके हो गया इनर चाइल्ड हीलिंग दिस इज नॉट द केस इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ हीलिंग बिकॉज इट्स अ डीप क्लेंग एंड राइट नाउ इट इज हैिंग विद डिवाइन मैस्किल तो ये जो एक्लिप्स uh, गेट है ये आपके लिए एक फास्ट रिलीज लेके आया है ऑफ एवरी थिंग आप स्टक थे अलाउ दिस कॉस्मिक विजडम टू फ्लो थ्रू यू और इस अगर आप रिजिस्ट करेंगे इसको तो आप फिर से सफर करेंगे सी विद ओपननेस यू हैव टू जस्ट पिकअप योर लेसन सेयर कि इस सिचुएशन में आप क्या महसूस करते हैं कनेक्ट टू योर फीलिंग्स कनेक्ट टू योर थॉट प्रोसेस और वो आपकी स्टोरी को सारी स्टोरी को बताएंगे राइट एज मच एज यू कैन राइट नाउ एज अ स्टोरी पूरे द होल डे और ये तभी पॉसिबल है जब बार बार आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे बार बार आप अपने यू नो थॉट्स के साथ कनेक्ट करेंगे और यही वजह भी है कि बहुत सारे लोग एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाते नहीं जा पाएंगे जब तक आप अपने माइंड को अवॉइड करेंगे दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ कि आपको मेडिटेशन का मतलब है कि आप आपके माइंड में कोई थॉट नहीं होना चाहिए वो एक स्टेट है जहां पर आप पहुंचते हैं और उस स्टेट से पहले जितने बार भी आप बैठेंगे आपको कनेक्ट करना है कि आपके माइंड में क्या जा रहा है क्या चल रहा है सॉरी आप कैसा फील कर रहे हैं जितना आप उनसे कनेक्ट करेंगे उतना आप अपने बारे में समझ पाएंगे अपने प्रस्पेक्टिव को चेंज कर पाएंगे अपने सोचने विचारने का नजरिया चेंज कर पाएंगे तो देर इज शिफ्ट फ्रॉम लोअर कॉन्शियसनेस टू हायर कॉन्शियसनेस जो आपको हो सकता है कि बहुत टफ लग रहा है इस टाइम ये आपके लिए एक स्ट्रगलिंग टाइम आपको फील हो रहा होगा लेकिन ये तभी तक रहेगा जब तक आप चीजों को बाहर से ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे सो राइट नाउ ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन डिवाइन विस्टम आपको क्लैरिटी हर चीज की बहुत जल्दी मिल जाएगी जब आप यहां आए हैं तो एक प्लान अपने साथ लेकर आए हैं लेकिन आप उस पर कितना चलते हैं यू नो इन आर लाइफ थिंग्स हैपन्स टू वेज वन कुछ भी हमारी लाइफ में डिवाइन की मर्जी से गॉड के बिना मर्जी के नहीं हो सकता अगर किसी चीज को गॉड नहीं चाहते तो वो नहीं होगा सेकेंड और कब होगा जब जो चीज गॉड चाहते हैं वो आप भी उसके साथ सहमत हैं क्योंकि जितनी गॉड की मर्जी अहमियत रखती है उतनी आपकी फ्री विल भी अहमियत रखती है वी आर एट पार गॉड कांट फोर्स एनी थिंग विदाउट योर फ्री विल वेन यू गेट अलाइंट विथ गॉड

जो कभी टफ लगेगी कभी स्ट्रगलिंग लगेगी लेकिन जिस दिन आप अपने लेसन्स को क्विकली देखना शुरू कर देंगे दैट्स द की यू फाउंड टू योर जर्नी और आप किसी भी जर्नी में हैं, आपका मेन मकसद है अपने डिवाइन पाथ पर आके पढ़ना हम इस लाइफ में इस मदर अर्थ पर बार बार जन्म लेंगे जब तक हम अपने डिवाइन ब्लूप्रिंट में वापस नहीं आ जाते वी हैव नॉट कम हेयर टू इंजॉय लाइफ विद ऑल दीज थिंग्स अराउंड अस दिस इज जस्ट फॉर आर सर्वाइवल दिस इज नॉट आर एम टू अचीव और जब हम इन चीजों में उलझे रहते हैं और हम अपना मकसद भूल जाते हैं हम सफरिंग क्रिएट करते हैं अपने लिए सो माई डियर डिवाइन फैमिनेंस एंड मैस्क एवरीबडी एवरी सोल कीप योर सेल्फ इंटैक्ट विद योर सोल लाइट कीप मूविंग अहेड विद योर डिविनिटी विद योर गाइडेंस एंड बी ओपन टू लर्न जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सिखाने के लिए हैं दैट्स इट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको सफरिंग से सीखना है या आपको प्यार से मानना है एंड टूमोरो आई विल शेयर अ ब्यूटिफुल मेडिटेशन विच इज गाइडेड टू मी टू शेयर विद यू ऑल Uh, to release even at faster rate whatever you have absorbed or uh, you know, abhi tak stuck hai energy system to help you in releasing that so be in touch, uh, that meditation I am going to um, you know, share with you all tomorrow, look after yourself and heal yourself thank you very much